ये मेरी बाइक है। जद्दो जहद सिर्फ 50 ग्राम की फ्यूल पंप उड़ चुका होगा। 15,000 रुपए का फ्यूल पंप का खर्चा होता है। जाओगी टंकी जिंगाला बवाल कर की होगी जिंगाली। यार क्या हाल चाल, ये है डे टू, ये नेक्स्ट डे है अपनी प्रोजेक्ट बाइक का R15 का। तो मैंने ना इसकी बैटरी तो एक मैकेनिक नून है वो हमारी एक्टिवा ठीक करते आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा बाइक उन्होंने ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो करते नहीं हैं, तो उनसे बैटरी ली थी, उनकी बैटरी वापस करनी है। जो R15 की बैटरी वो लेनी है, R15 की जो एक्सेलरेशन का क्लच है इसमें दो आते हैं, एक ए है और एक बी है। बी वाली जो है वो ठीक है, ए ठीक नहीं थी, ए ले ली है। और अब हम जाएंगे पहले बैटरी उनकी बैटरी वापस करके अपनी बैटरी लेंगे, फिर हम जाएंगे हिंदुस्तान मोटर्स, फिर वहाँ से हम लेंगे इसकी नई बैटरी जो कि बिल्कुल सस्ते भाव में हमको मिल जाएगी। तो अब यही है, फिर आके इसकी बैटरी फिक्स करके तो अब हम इसको फिर रेड के लेके जाएंगे उधर, इसके एक्सेलेरेशन की जो तार है वो डलवाने। अब मैं कहाँ पर हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा और मैंने बस हुडी डाली हुई है। चलो मिलते हैं आपको। तो यार अभी ना बाइक खोल दी तो फिर बैटरी है, वैसे इसका ये सारा पार्ट बहुत ज़्यादा गंदा है पर ये भी नहीं ठीक कराऊंगा। तो मोटा मोटा मैंने बाइक में देखा जो है ये वाला, ये सारा पैनल चाहिए, ये सारा पैनल ही लेना पड़ेगा, या फिर मैं क्या करूँगा ये और ये वाला पार्ट ले लूँगा जो कंपनी से मिल जाएगा, बाहर पूरा ही मिल रहा है, और ये वाला पार्ट मैं बाहर से ले लूँगा। ये वाला पार्ट बाहर सस्ता पड़ रहा है, ये वाला पार्ट कंपनी से सस्ता पड़ रहा है। तो ये जिसकी बैटरी है उसको वापस करेंगे, अपनी बैटरी वापस लेंगे और एक नई बैटरी लेने जाएंगे हिंदुस्तान मोटर्स। चलो चलते हैं। तो यार ये देखो ये सारा अमृतसर का साइकिल वाला पार्ट, तो ये इधर सारे साइकिल जितनी दुकानें सारी साइकिल की आगे जाके आती है एक्टिवा बाइकों की, बुलेट की कोई R15 की देखो स्प्लेंडर हो रही है मॉडिफाइड ठीक अलॉय व्हील पहनते यार। इधर है रहा लेने आया हूँ 950-950 रुपये की बैटरी होगी वो मिल जाएगी। चेक करो यार बाइक, अंकल को बोला तो ये 4 LB की नहीं, ये 4 ये 5 LB की है। आहो जो 4 LB की थी वो थी 950 की, तो ये 5 LB की कितने की है 1150 की। तो ये भी इसमें से कट गई बैटरी, तो थोड़ा सस्ता पड़ गया अपने काम। बाकी देखो क्या बनता है, बस एक्साइटेड हूँ आज से, आज बाइक चल जाए फिर मैं कल जाके शोरूम जाके एक बार सर्विस करवा लाऊँगा। जान हो जाएगी। तो ये लो जी एमरॉन की आ गई, ये 4 BL की ही मिली उनको, तो फिर यही डालेंगे बाद में, कहते 5 BL की लेंगे। मैं ठीक है तो इस मोमेंट ऑफ ट्रुथ देखते चलती है कि नहीं। पेट्रोल तो उसमें डाला है प्रीमियम, पेट्रोल का पंप तो हुआ है। नहीं यार वो एक काम करते हैं, रुक जा यहाँ से धक्का मार के सेकंड गियर पे डालते हैं कुछ चल जाए। एक्सीलेटर ही चल रहा है पर एक्सीलेटर देने की लोड ही नहीं है। तो यार ये है वो ए केबल, इसकी बी केबल, इसमें दो केबल आती है एक ए एक बी। बी वाली ठीक है, ए वाली लेने वाली थी तो वो ली है। अब इसको चलाने लेके जा रहा हूँ, 9G लगाएंगे धक्का, बड़ी कोशिश की इसको चलाने के पर चल नहीं रही है। इसके इंडिकेटर का जुगाड़ कर लिया रोनित मेरा फ्रेंड है, उसकी वर्जन 4K स्टॉक इंडिकेटर उसके पास पड़े हैं वो दे देगा, और ये वाला सारा पार्ट इसका कराने वाला वो हुआ। ये है जी एक्चुअल बाइक की हाज, आप देखो जी इसके पार्ट पूट खोल रहे हैं सारे। तो बेसिकली जो इसकी मैंने ना दो तार बताया ही है 50 बार बता चुका हूँ, तो ये वाली तार इसकी चेंज होगी भाजी हुई करनगे, ये पार्ट खोल के तार चेंज करके उसके बाद देखते धक्का स्टार्ट होती है कि नहीं। वैसे यार अपने टाइम की भी ना ये एक सुपर बाइक ही थी कि बिल्कुल एंट्री लेवल आती थी और सारे लोग इसके इतने ज़्यादा दीवाने थे ना, मतलब अभी भी इसका इतना ज़्यादा बढ़िया फैन बेस है ना क्या बताऊँ। तो
पर फिर खर्चा कुछ ज़्यादा ही होने लगा, मतलब मेरी उम्मीदों से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, मतलब मेरी उम्मीद है यहाँ तक, ये यहाँ तक भी जा सकता है, और यहाँ तक तो नहीं पर यहाँ तक तो जाएगा, मेरी उम्मीद है कहीं यहाँ वहाँ लाए कट रही इधर, और ये जाएगा कहीं यहाँ, तो बाकी देखते हैं क्या बनता है। वैसे पार्ट्स पूर्ट्स हैं इसके सारे, और इसमें यार चेक इंजन लाइट भी आ ही रही है, तो ये भी दिक्कत है। फाइनली ये जो पुरानी तार है निकल गई है, अब आएगी नई तार, इतने तार के लिए गई है सिर्फ 150 रुपये की तार के लिए, जद्दोजहद सिर्फ। फाइनली इसकी आज इसका एक काम हुआ है, बस एक नहीं दो, बैटरी नहीं डल गई है और रेस की तार, बस और कुछ नहीं। और इसने मेरा 4 बजे का लगा हुआ है पीछे, 6 बजने को आ गए हैं, 2 घंटे सिर्फ दो चीज़ों को बस और कुछ नहीं। अभी इसको चालू करना है, अभी ऑन नहीं हुई अभी भी ये प्रॉपर तरीके से, तब हुई थी थोड़ी थोड़ी, और देखते हैं। यार दूसरा दिन हो गया, तक्के मार मार के थक गए हैं, बैटरी नहीं लगवा ली, रील्स लगवा ली फिर भी नहीं चल रही, मेरे को लग रहा है इसके फ्यूल पंप में ना दिक्कत हो। जिम नहीं गया? तो यार क्या हाल चाल है, ये है day 2 प्रोजेक्ट बाइक का। तो एक्चुअली जो मैंने ये जो इससे पहले जो आपने वीडियो देखा वो अराउंड अबाउट 1 से 2 हफ्ते पुरानी वीडियो है, उसके बाद कुछ काम आ गए थे जिस चक्कर में ना ही मैं कोई यूट्यूब वीडियो बना पाया ना ही कोई डाल पाया, मतलब तो स्पार्क प्लग लिया, अब इसको शोरूम लेके जा रहा हूँ मैं, पहले बंदे को दिखाया था कि वो चालू कर देगा कि नहीं, तो उससे कहा नहीं, अब 3 साल से खड़ी है, सर्विस सेंटर लेके जाते हैं देखते कितना बिल बनता है, अब मेरे को लगता है जो होगा उधर ही होगा, चलो जाते हैं देखते हैं। गाइस ये हाल, ऐसे लेके जा रहे थे हम बाइक को, क्या करना पड़ता है बाइक के लिए। देखो जी मोटरसाइकिल लेके जी आ गए हैं यामा के शोरूम, अब यामा के शोरूम वैसे 2 हैं अमृतसर में, एक यार जीतम नहीं हुआ, एक पुतली का रहा, बात वैसे मेरी पुतली घर वालों से हुई थी इधर ले जाएंगे, पर फिर यहाँ पे ना मेरे फ्रेंड का कोई लोन ही है, वो पहचान भैया है, तो उनको कहते हैं फिर उनसे बाद ही सुबह कहते आ जाना, उन्होंने टाइम दिया 11:30 का, अभी बज रहे हैं 1:30 लेट है, हाँ देखो जी भैया ने फिलहाल 2190 रुपये का राउंड एस्टिमेट किया सिर्फ सर्विस का, अभी चालू होने का कुछ नहीं है, टैंकी सड़ चुकी है, बाकी टैंकी का देखते हैं कि क्या बनेगा, और इसके इंडिकेटर्स तो हैं, इंडिकेटर भैया के पास पड़े हैं तो इंडिकेटर का खर्चा नहीं मेरे को पड़ेगा, और युवराज उसके पास पार्ट है जिससे उसके पास सीवल एक पार्ट है स्टॉक है, और 2 दिन कुछ पार्ट होंगे देख लेंगे, जो जैसा जैसा लगता होगा कर लेंगे। तो बैठे हैं जस्ट अभी लगेंगे 15-20 मिनट, भैया ने बताया प्रॉपर कैसे करना है, अभी खड़ा हूँ अभी सिर्फ बाइक्स वगैरह देख रहा हूँ मैं, तो देखते कहते जब काम चलू होगा फिर बता देंगे, मैं कहा ठीक है, मेरे को एक बार ना खड़ी रह के देखा कि उसमें हुआ क्या है, क्या पंगा है, चालू होगी भी नहीं होगी वगैरह वगैरह, चलो देखते हैं क्या। अब कह तो रहे हैं कि फ्यूल पंप उड़ चुका होगा, ना ही उड़ाओ यार, कि अगर उड़ गया तो मेरा बजट उड़ जाएगा। अभी फिलहाल खोलिए, और टैंकी में पानी गया हुआ है, और मैंने ऊपर से तेल डलवा लिया 200 रुपये का, तो वो तो सारा भाई वेस्ट हो गया, पर चलो कोई बात नहीं देखते हैं क्या बनता है। इसका खर्चा कुछ ज़्यादा ही है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, कुछ ज़्यादा ही है। तो लास्ट क्लिप आपने देखी कि मैं सर्विस सेंटर में था, ये देखो अभी मेरे हाल है, चौवीं बार बैठा हूँ, ये मेरी बाइक है, 15,000 रुपये का फ्यूल पंप का खर्चा बताया मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मतलब देखो चलो अब क्या बनता है, उन्होंने कहा कि सर जहाज पर जाके पता कर लो, कोई सस्ता मिल गया तो मिल गया, सर 25-30 हज़ार लगाओ बाइक हो जाएगी पूरी ठीक, नवी जैसे बन जाएगी बाइक आपकी 25-30 हज़ार रुपये। अब यार बंदे जरूरत थे उसे, पर चलो पी कर बाद करने का तरीका भी ठीक था, वहाँ पर ना 1-2 घंटे रुका, तो सर चाय लोगे कॉफ़ी लोगे, कोऑपरेटिव बंदे बड़े आराम आराम से प्यार प्यार से बात की, हाँ सर सब कुछ जेन्युइन तरीके बात की लग रहा था, पर चलो अब देखते हैं क्या होता है क्या बनता है। अंकल ध्यान से ध्यान से लग 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 ओए होए होए, तो ये बस लगने लगी थी इससे, ये मेरे ख्याल से एक और यूट्यूबर ब्लॉगर, और देखो जी फिर से धक्के मार के लेके जा रहे हैं, अब लेके जा रहा हूँ हिंदुस्तान मोटर्स, मेरे को पहले ही लग ये पहले तू बोल ले
तू बोल ले पहले। तो फिर उधर जा रहे हैं, कहते हैं कि सर हम जल्दी ठीक कर देंगे। उन्होंने कंपनी ने काफी सस्ता, एक्चुअली मेरे को पता था कि 5-6 हज़ार रुपये का आता है, 13-15 हज़ार रुपये का नहीं आता इसका। मैंने सुपर, मैंने ZX10R ली है या फिर YMR थोड़ी ना, ये 15 हज़ार रुपये का इसका फ्यूल पंप ही होगा। क्या ये बिठा के आए थे हम धक्का मार के ले गए एक्टिवा पे, तो वो अंकल हैं इनको पूछ रहे फ्यूल पंप लगा देंगे, इसकी टंकी होगी जंगाली ठीक है, तो अब इसका सारा पेट्रोल निकाल के टंकी साफ करके फिर नई टंकी लगा के तो फ्यूल पंप नया लगा के फिर होगा आज ये चालू, फिर चालू करा के इसको कंडीशन में करके फिर कल मैं फिर से लेके आऊँगा या फिर मैं चला के जैसे तैसे कर करा के फिर कल इसकी होगी सर्विस, नहीं तो आज का सर्विस भी कर देंगे लगे हाथों ही, जो बनेगा आपको दिख जाएगा। ये हिंदुस्तान मोटर है, इधर है यार जहाँ पे साइकिल नहीं है, जहाँ पे सारे साइकिल बिकते रेलवे स्टेशन के पीछे, उधर रेलवे स्टेशन है, इधर आ जाओ सारे काम हो जाएंगे, चाहे बोल्ट हो स्प्लेंडर हो। देखो ये रहा स्प्लेंडर, इधर बोल्ट, बोल्ट देखो कितना वधिया कस्टमाइज बोल्ट कराया है। और हाँ इसकी चेन क्लीन करके चेन भी ल्यूब होगी, और ये जो पार्ट्स हैं सारे कल का देखूंगा, कल को लगाऊंगा ये सारे पार्ट वूट। बाकी कैमरामैन अक्षु के साथ एडिटर नमन, मिलते हैं आपको देर बाद। फाइनली अपनी टंकी खुल चुकी है, अपनी बाइक की, अपनी नहीं ऑब्वियसली, कॉमेडी करती है अच्छी बाइक, कॉमेडियन। अंकल फ्यूल पंप तो कर रहा है पर अच्छा प्रेशर दा एक टंकी अगर लगी ना बाइक आहो हो जाएगा ओके मोटर पा के लाइन इंजेक्टर भी चेक करा बना लाइन इंजेक्टर का आहो इधर करंट चेक करेंगे गाइस वास चेक करना ये होता जब आप कितने साल होता इसकी टंकी ना खोलो एक अपने कॉर सर हैं उनकी बाइक है अनिरुद्ध बेदी करके ये चेक करो ये भी R15 वर्जन 2 ही है ये रहा अपना फ्यूल पंप पुराना वाला टैंकी अंकल ठीक लग रही है वो अंदर से कस्टमर की बाइक है और बाइक चेक करो यार अब ये भी ना शौक की चीज होती है जो जो पका सकते हैं वो करते हैं ये देख रहे हो और जंगाल ये पानी और जंगाल आपको दिख रहा होगा जंगाल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकला इसमें से जब अगर मैं बाकी बाइकों की बात करूँ ना दो तीन तीन साल खड़ी हुई यामा की बड़ी बड़ी जंगाल होती है ना बड़ी जंगाल होती है उसमें बड़ी जंगाल होती है आहो बाकी बहुत कम है इसमें मतलब सारी टंकी जंगाल पर ऊपर ऊपर से जंगाल है टंकी ठीक है जो खराब हो गया चलो हमने आएगा 2300 रुपए का ये है मेरे कंपनी वाले ने 15 हज़ार रुपये का बिल पकड़ा दिया था मैं सोचूं मैंने यामा R1 तो लिया नहीं है, है तो R15 ही वर्जन 2 15 हज़ार भाई गाड़ मेरी यहाँ का तो मेरी अमेज की फ्यूल पंप मेरा अमेज का फ्यूल पंप होगा इतने का तो अभी फिर अभी हम चेंज कराएंगे और देखते हैं फिर क्या सीन आ जाएगा
जितना जंगल साफ किया हुआ है, और ये बचा कुचा जंगल बचाओगी टंकी जंगल पर बवाल करता। आहो इसका बाकी उसे अच्छा हाल है। मैं YouTube पे देखा है वो सारी टंकी ही अंदर से जंगल ली गई है। मेरा चला है ना ऊपर ऊपर वाला जहाँ से पेट्रोल डलते सिर्फ वो वाला पार जंगल है, ये सारा टैंक का टैंक ही जंगाला है। मतलब ये नहीं जो यूट्यूब पे देखा था। चलो गाइस मेजर खर्चा होने से तो बच गए। आ देखो आ जे ने भाई इधर आओ देखो यही शर्माई गए ये। चलो अब जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो उत्साह जा रहा है कि हाँ चलो आ नहीं। तो यार फ्यूल पंप आने में अभी भी टाइम है, आधे पौने घंटे वेट करें फ्यूल पंप नहीं आ रहा। तब तक अंकल इंजेक्टर खोल के तो इंजेक्टर साफ करेंगे कि क्या ब्लॉकेज है कि क्या है। तो उसको तो फील करवा दिया हुआ अपना फ्यूल इंजेक्टर, बस फ्यूल पंप की वेट हो जाएगी कब वो आए कब इसमें लगे कब उसमें हम पेट्रोल डालें। उसमें लगा हुआ 2.5 लीटर पेट्रोल डालें फिर देखेंगे क्या हुआ इसको चालू होगी कि नहीं। चालू हो तो जाएगी फाइनली गाइस, चालू तो हो जाएगी, बी पॉजिटिव रहना चाहिए। गाइस फाइनली फ्यूल पंप आ गया भाई, अनबॉक्स करके दिखाओ। चलो ये है पुराना वाला, चलो उसको डलवाते हैं फिर देखते हैं हो जाए बस चालू। अब हो जाएगा इंजेक्टर हो गया फाइनली, फ्यूल पंप जा रहा है फ्यूल टैंक के अंदर। चल जाएगा ना चल जाएगा इसके लाइट्स भी मैं चेंज ही करा रहा हूँ, अभी येलो डलवा रहा हूँ क्योंकि साइड वाली वाइट वो वाइट है जो छोटी वाली है साइड पे लगती हैं वो वाइट है, और जो मेन हेडलाइट है वो भी वाइट है पर मैं येलो डलवा रहा हूँ फिलहाल प्लस काम चलाऊ। ये अब फाइनली ये डल रहा है और अब चालू हो जाएगा मोटरसाइकिल लिटरली। तो बंदे ने बोला ना इसे 13-14 हज़ार का आएगा फिर उसके ऊपर ले जाओ लेबर लूबर लगेगा तो आपका वो मोटरसाइकिल ये जो फ्यूल पंप है 15 हज़ार रुपये का आएगा। ये लो अंकल चाबी तो जंग लगा ना नहीं साहब वो तो जंग लगा अंदर साहब आहो ये हेलो अंकल जी। फाइनली अपना नया तेल अराउंड 4 बजे आया था, जैसा सकता वैसा ठीक हो गया 6 बजे तक। मैं करूँ चलो मैं करूँ फिर करो आप करो हम रिकॉर्ड करते हैं। दो तीन बार कर रहे ताकि फ्यूल पंप हो जाए पहले अच्छी तरीके से। ये आवाज सुन रहे हो गए फ्यूल पंप होने की। मड़ी देखो मड़ी 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 इसकी लाइट भी चेंज करा रहा हूँ। लाइट जो भैया ने डलवाई थी ना वही येलो लाइट से डलवा रहा हूँ, वाइट लाइट अभी नहीं डलवा रहा क्योंकि भाई थोड़ा टाइट है और येलो लाइट के साथ काम चल जाएगा तो मैं कहा चलो फिलहाल वही डलाल फिलहाल वही लगवा लेते हैं। तो लाइट्स के साथ अब इसकी इंजन ऑयल भी चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज कराऊँगा, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर चेंज होगा। फिलहाल इस बात में बहुत ज़्यादा खुशी है कि 3 साल बाद फिर से बाइक चालू हो चुकी है और अब बाइक अपनी है। फाइनली अब इसका इंजन ऑयल भी चेंज करेंगे क्योंकि 3 साल से इंजन ऑयल चेंज ही नहीं किया, क्या चलाएंगे तो चेंज क्या करना है। नीचे बोल्ट है यहाँ से डलता हुआ इंजन चेक करो अच्छा इंजन ऑयल ही नहीं है।
गाइस ये निकला है 250 ग्राम इंजन ऑयल। देखो जी ऑयल फिल्टर इसका। देखो ये लो अंकल, तो सामान सारा इनके पास है, काम सारा ये कर रहे हैं, मिला के एकदम एकजुट होके काम कर रहे हैं। और क्लीनिंग, ये अब क्लीनिंग चल रही है सारे पार्ट की। इधर तो हो रहा है क्लीन, ये मोटुल का डाल रहा हूँ इसमें इंजन ऑयल। यार अब मेरे को तो बस ये है कि बस अब मैं वेला हूँ, चलाने की बारी आए, क्योंकि अब इतना ज़्यादा हो गया ना, मैं, मेरा भाई चक्षु, नमन, जिनकी ये बाइक है, रघु भैया अपने, रघु चाचू। लो जी 500 का डलवा लिया जी तेल, फुल स्पीड धक्के मार के लेके आ गया हूँ, पूरा 5 लीटर डला। हेलो अंकल जी, नवा नोट ले आता है फाइनली अपनी बाइक का। ये चेक दिस आउट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, किसी भी रीजन से वो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करो वीडियो को, सबसे ज़्यादा शेयर करो और बताओ अपने और ज़्यादा बाइक एंथुजियास्ट को। और हाँ, जो ये वाली बिल्ड होगी ना, इसको ना मैं अच्छी डिसेंट बिल्ड बनाऊंगा, छपरी बिल्ड नहीं बनाऊंगा, फोटोज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसको ऐसे रखूँगा, स्टॉक रखूँगा, जिससे कि जो ओरिजिनलिटी, जो ऑथेंटिक, जिस हिसाब से बाइक आई थी वैसी लगे, अच्छी लगे, छपरी ना लगे। व्यूज़ लाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, व्यूज़ लाओ, थोड़ा रीच बढ़ाओ चैनल की। 2 मिनट तक भी देख लोगे ना वीडियो तो वॉच नहीं बढ़ जाता है हमारा, एवरेज 5-6 मिनट होते ही हमारे नमन, फिर बढ़िया है। नहीं मैं क्या, अगर कोई नया आया हो देखो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, मिलते हैं आपको। भाई अपना बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाता है, अपना एक और भाई है उसका भी ब्लॉग अपलोड हुआ आज, अक्ष भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना, यहाँ पे लिंक आ गया होगा। ओके बाय, मिलते हैं, थैंक यू, बोल। ओके गाइस बाय।